आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं, पूजन करने अर्चन करने वंदना करने हम आए हैं, पूजन करने अर्चन करने वंदना करने हम आए हैं, आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के तीनों ही पाठों में हम प्रभु के बुलावे और उसकी करुणा के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमें नियुक्त करता है, प्रभु हमें चुनता है। कई बार हम हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज प्रभु हमसे आह्वान करता है कि हम प्रभु को धारण करें, प्रभु को स्वीकार करें और जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, जिस बुलावे के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और जो कर्तव्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हम उसे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कर सके। एक मानवीय होने के कारण, एक मनुष्य होने के कारण हम कई बार प्रभु से दूर चले जाते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, अपने मानवीय स्वभाव को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की बुलाहट में प्रभु के कार्यों को करते हुए निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्ति दाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्ति दाता यीशु, पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए, मुक्ति दाता माफ करो, मुक्ति दाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्ति दाता यीशु,
तारों के देश में ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा महिमा पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना आराधना तेरे गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा महिमा स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौती है पाप मिटाते में बने। महिमा महिमा परम महिमा महिमा यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है। आत्मा पिता सदा संग है। आमीन ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा करके हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोल लीजिए। साफी कृति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 एवं 19 से 21। और निमिशी के पुत्र येहू को इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल मोहल्ला के निवासी शफाट के पुत्र एलिशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। एलिया वहां से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलिशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलिशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Oh,
दूसरा पाठ। पाप हमें गुलाम बना देता है, हमें पाप से बचकर भ्रातृ प्रेम के कार्यों में लग जाना चाहिए, तभी हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1-13-18 तक। आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में न जुत जाएं। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरों को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी बनाई नाचे गावे तन मन से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पंछियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूँगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल्की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है
वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के तीनों ही पाठों में हम ईश्वर के बुलावे और समय पर किस प्रकार हमें संदेश मिलता है उसके विषय में सुनते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार नबी एलियस के पीछे एलिशय आता है। एलियस जब उसके खेत से निकलता है तो एलिशय के ऊपर वह अपनी चादर उड़ा देता है और उसे कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, लेकिन वह कहता है कि मैं अपने घर जाता हूँ, अपने माता पिता से बोल कर आता हूँ। लेकिन एलियस उससे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम नहीं समझते कि ये क्या है? और वह तुरंत ही बलि चढ़ाता है और मजदूरों को भोजन कराता है और फिर वह एलियस का नौकर बनकर उनके साथ में रहता है। और यही बात हम आज के दूसरे पाठ में भी पाते हैं कि किस प्रकार से संत पौलुस बड़े विवेकशील तरीके से कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, जो शिक्षा प्रभु ने हमें दी है उसका हमें पालन करना है। एक बुलाहटीय जीवन के विषय में संत पौलुस बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में इस बात का पैगाम सुनाते हैं कि किस प्रकार हमें एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना है और जो आचरण प्रभु ने हमें सौंपा है, जो कार्यभार प्रभु ने हमें दिया है उसे निष्ठापूर्वक निभाना है। हम हमारे जीवन में कई बार हमारे बुलावे के बारे में सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं। हमारा बुलावा किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक पुरोहित बन के, एक धर्म बहन बन के, एक दाम्पत्य जीवन बिताते हुए भी हमारा बुलावा हो सकता है कि हम किस प्रकार प्रभु के वचनों पर चलते हैं, किस प्रकार प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं। आज का सुसमाचार पाठ हमें बड़े विनम्रता से प्रभु के वचनों पर चलने के लिए आह्वान करता है। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति आता है और प्रभु से कहता है कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, और प्रभु उसे कहते हैं कि तुम देख लो, प्रभु उसे इतना मोटिवेट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ, और फिर वह कहता है कि मैं अपने माता पिता को बता के आ जाता हूँ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं उन्हें दफना के आ जाता हूँ। और प्रभु उस बात को बड़े सौंदर्य तरीके से उन्हें कहते हैं कि अगर एक बार हल पर हाथ रख दिया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ बड़ा सटीक और बड़ा ही रोमांच वाला पाठ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे घटनाओं का विवरण किया गया है जो घटनाएं हमारे जीवन में अक्सर होती है। जब हम प्रभु के पास में जाते हैं, कई सारी दिक्कतें, कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, कई सारे प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के अनुयायी बनते हैं तो प्रभु हमें आत्मा से परिपूर्ण करता है और वही आत्मा हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति बनती है। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठों में प्रभु बड़ी उत्सुकता से हमें यह कहना चाहते हैं कि क्या हम प्रभु के साथ में अपने संबंध को बरकरार रखते हैं, क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ में एक अटूट संबंध है। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, मानवीय स्वभाव में हम अक्सर खो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ में उतना ही गहरा है जो संबंध पिता और पुत्र का है? जब पिता और पुत्र का संबंध हमारे जीवन में आएगा तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसके वरदान हमारे जीवन में फलों के रूप में, वरदानों के रूप में उत्पन्न होंगे। और जब हम इन तीनों को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन होगा। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में जिस प्रकार हम सुनते हैं
कि हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हैं, जो कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उन तमाम कार्यों को हम निष्ठापूर्वक कर सके। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के तीनों ही पाठों में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमें ईश्वरीय राज्य की घोषणा करने के लिए नियुक्त करते हैं। और जब हम अपने आप को प्रभु के स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए समर्पित करते हैं तो हम उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बन जाते हैं। आज के परिपेक्ष में हम कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं, माता पिताएं पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हैं, और जो युवागण हैं वे अपने फ्यूचर को लेकर कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं, कई सारे प्रलोभन में उलझते जाते हैं, कई सारी चिंताओं में घिर जाते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ में एक सत्य वाला संबंध है, क्या एक सत्यता का संबंध है, क्या हम निष्कपट हृदय से उस प्रभु को ग्रहण करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें चुनता है, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ जीसस। ये प्रभु की बहुत ही प्रमुख क्वालिटी है कि वो अपने शिष्यों को खुद चुनता है, वह अपने लोगों को खुद चुनता है। प्रभु के पास में कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रभु को चुनता है, बट प्रभु उनको चुनता है, प्रभु उन्हें नियुक्त करता है। जैसा कि हम संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 16 में पाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें एक ईसाई बनने का जो गौरव दिया है, उस गौरव को हम बरकरार रखते हुए अपने जीवन में उसकी खुशी को, उसके आनंद को महसूस करते हुए हम उस आनंद को दूसरों को प्रदान करें, दूसरों को बांटें, अपने वचनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से एवं अपने व्यवहार के माध्यम से। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा क्वारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर की पवित्र इच्छा पूरी करने में ही हमारी भलाई तथा शांति निहित है। अपने पिता के प्रति यीशु आज्ञाकारी तथा निष्ठावान थे और पिता द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को उन्होंने निष्ठापूर्वक पूरा किया और उसकी इच्छा पूरी की। अपनी क्रिस्तीय बुलाहट के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए हम विश्वास के साथ पिता ईश्वर से कृपा तथा आशीष मांगे, ताकि हम उसके राज्य के साक्षी बन सके। हम अपनी अन्य ज़रूरतें भी उनके समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब परिस्थितियों में ईमानदारी पूर्वक क्रिस्त का अनुसरण करें, उत्साह पूर्वक अपना समर्पित जीवन जिए और सभी लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धार्मिक एवं राजनैतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने निस्वार्थ सेवा और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण के द्वारा जनता के सच्चे चरवाहे एवं सेवक बने। प्रभु ईश्वर उन्हें विवेक, बुद्धि एवं एक दयापूर्ण हृदय प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी लोक धर्मी मिशनरियों एवं धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका आत्म त्याग एवं लोगों की भलाई के लिए उनकी तीव्र लालसा पर्याप्त मात्रा में फल उत्पन्न करे और वे सदैव प्रभु क्रिस्त की उपस्थिति तथा पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों एवं अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम, एकता एवं शांति से जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के शीर्ष चरणों में समर्पित करें। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो लाचार हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता ईश्वर, हमें क्रिस्त विश्वास में पुष्ट बनाने और हमें अपनी सच्ची व मुक्त संतान बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हमें सहायता तथा कृपा प्रदान कर कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरी पवित्र इच्छा पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पर रोटी कटोरी में दाग सरे, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरी में दाग सरे, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। ईश्वर
तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यावर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह चित आए न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। हो साना हो साना हो साना हो साना हो साना उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु,
हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूं कि वे हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है, वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थाई फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। ईश्वर को धन्यवाद। खुशबू से
बन जाए मेरा सारा ये तन मन इस संसार के मधुबन